हम आए थे वैष्णो देवी का ट्रिप करने, तो अभी हम लोग का ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और सबकी बैग, ये आप हालत देख सकते हो दोनों का। ये बस अपने आंखों के जो डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए इसने एकदम सनग्लासेस वगैरह पहन लिया है, पर इतना पेनफुल जर्नी था, पर फाइनली दर्शन हो गया, शांति है, वो रिलैक्स है हम लोग एकदम कि फाइनली कवर हो गया और बहुत अच्छे से हो गया। और ये जो होटल आप देख सकते हो आदित्य गेस्ट हाउस नाम है, काफ़ी अच्छा सा ट्रिप था हम लोग का, खाना भी एकदम ठीक ही था। अब खाना यहाँ से अगर हो सकता है तो ऑर्डर मत करना, बाहर से कहीं खा सकते हो, काफ़ी सारे जगह है यहाँ पे खाने के लिए, बट हाँ रहने के मामले में, लॉजिंग के मामले में ठीक कॉस्ट में ठीक चीज़ देना, इट्स गुड। और अभी मैं दे रहा हूँ अपने ब्लॉगर भाई, नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे, चलो। हमारा प्लान था, हम आ गए हैं मार्केट को, कटरा का मार्केट को, और इधर हमारा जो सुनने में आया था कि कटरा का मार्केट बहुत फेमस है ड्राई फ्रूट्स के लिए, ये वो, इसका नींद तो अभी तक नहीं खुला है। इधर कटरा का मार्केट ड्राई फ्रूट्स के लिए फेमस है और बहुत सारे सामान के लिए, वो सच में फेमस है, क्वालिटी में फेमस है क्या, वो देखने के लिए अब हम कटरा का मेन मार्केट जो है उधर आ चुके हैं। लेट्स एक्सप्लोर इट, जैसे कि आशुतोष ने बोला, जस्ट मतलब हमारे लौट से सिर्फ 200-300 मीटर की दूरी पे था, तो हम चल कर ही आ गए। सो देखते हैं, चलो आपको मार्केटिंग कराते हैं। Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ack, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I am एक ड्राई फ्रूट शॉप में है जिसका नाम है, क्या आप देख सकते हैं, कुछ मनोज ड्राई फ्रूट बोल के, उधर दोस्तों क्या क्या खरीद रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स और माँ का प्रसाद सब। उसके बाद थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खरीद कर ऐसे ही, मतलब कटरा तो फेमस है आपको पता है कि उसके उलेन के लिए और ड्राई फ्रूट्स के लिए, उसके बाद हम धीरे धीरे मार्केटिंग करेंगे। उसके बाद ट्रेन है हमारा 4:00 को, फिर रिटर्न टू जलंधर पंजाब। Now I gotta ride or die. तब हमें पता चला कि संपत्ता पेंट घूम गया है, लोर से जब आया तो वो घूम, उसको ये है कि वो अपना पेंट छोड़ जाए। अभी जाकर देख रहा है वॉलनट अखरोट क्या क्या खरीदने के लिए, काजू किशमिश देख रहा है, पर बेचारा का पेंट घूम गया, और एक पेंट था पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि बिना पेंट है, और चलो बहुत दुखी हो गया था, उसका पेंट घूम हो गया, नया पेंट था, सिर्फ 4-5 पहना है, बोल रहे बात भी नहीं कर रहे। हम लोग अभी कि खाना खाए, वो भी खाना खाने के वक्त भी उसका मूड ऐसे ही था, जब अब हमने पूछा कि क्या हुआ तब बोल रहे पेंट घूम गया। मैं वो जब बोला पेंट घूम गया तो मैं उसका पेंट को देखा, भाई तू तो पहना है, तो बोल रहा है नहीं और एक पेंट घूम गया। लग रहा है क्योंकि बारिश भी नहीं हो रहा है और धूप निकला है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अभी क्लाइमेट तो अच्छा है, पर थोड़ा चाय वाय नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम रुके हैं चाय पीने के लिए। भैया इधर चाय बना रहे हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं, भैया की मजेदार चाय बनाना, ठीक है।
शालीमार पार्क बोल के एक है, तो इधर आ चुके हैं। धूप भी बहुत मस्त आ रहा है। पीछे आप देख सकते हैं पहाड़, जो कि तिरकुना पहाड़ या कुछ है, जहाँ पर तिरकुना पहाड़ है, जहाँ पर कि कल हम गए थे माँ के पास। और अभी पार्क जाएंगे, थोड़ा एक दो घंटा उधर रुकेंगे। एक लड़की भी है पार्क में। लड़की है या क्या है? फिर उसके बाद तो जाएंगे रेलवे स्टेशन, फिर निकल जाएंगे। चलो चलते हैं पार्क। व्हाट अ प्लीजेंट सीन इट इज। मैं अभी पार्क के अंदर हूँ, जहाँ पर कि बहुत अच्छा सीन है पार्क के अंदर। द पीक ऑफ द माउंटेन इज कवर्ड विथ क्लाउड्स, मतलब बहुत मजा आ रहा है देखने में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा पार्क है, पर अच्छा लग रहा है कि अच्छा पार्क है, सुंदर है बहुत। और द बेस्ट पार्ट कि आपके पीछे ये जो माउंटेन, द ब्यूटीफुल क्लाउड्स देख सकते हैं, मतलब क्लाउड्स, उसके बाद माउंटेन, माउंटेन पिक्स पर स्नो, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सा पार्क है, मतलब अपने लैंग्वेज में बोलने का तो एकदम झकास। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ हेलीकॉप्टर जा रहा है वैष्णो देवी के लिए, लेकिन इसका फीस थोड़ा ज़्यादा ही है। पार्क से और जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के तरफ। स्टेशन स्टेशन जा रहे हैं, स्टेशन स्टेशन जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। स्टेशन क्लाइम में ये बैग और चला जाएगा, मतलब एक बार देखिए बैग, देखिए अपने आप जा रहा है, उसका भी नॉलेज है भाई। बहुत ही मस्त क्लाइमेट है रेलवे स्टेशन का, मतलब कल जितना ठंड लग रहा था आज उसका पूरा उल्टा है। क्लाइमेट अच्छा है, आप देख सकते हैं। मतलब मुझे तो डाउट लग रहा है कि मैं रेलवे स्टेशन आया या कहीं एयरपोर्ट आ गया। देखे देखे पीछे देखे, अब जाएंगे, ट्रेन है अगले एक घंटे में, थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि रिस्क लेने का नहीं। उसके बाद निकलते हैं। और क्या हो गया, इधर ही हमारा जर्नी ख़त्म हो रहा है, इधर ही हमारा जर्नी ख़त्म हो रहा है। अरे उस तरफ से आशुतोष भी आ गया है, उधर से बुला रहा है कुछ गाली वाली देकर। अरे आशुतोष, ए मिस्टर आशुतोष। उसके बाद अभी कितने बजे आए आप लोग? जस्ट आए। अच्छा ये लोग ना क्या हुआ, थोड़ा घूम गए थे। तो आपको तो पता ही होगा इधर जम्मू में प्रीपेड वाला सिम नहीं चलता है, तो कॉल वॉल कुछ नहीं, ऐसे थे हम। हालत खराब हो जाती है जब सिम नहीं चलता है, फोन नहीं चलता है। सही में हालत तो खराब ही हो जाती है। तो इधर ही खत्म हो रहा है हमारा जर्नी जम्मू एंड कश्मीर में। मिलते हैं अगला ब्लॉग में, जो कि कहीं अलग जगह हो सकता है या हमारा LPU के अंदर ही होगा या कहीं भी। थोड़ा देखते रहिए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर। लाल वाला बटन है ना, उसको फोड़ के रख दीजिए। लाल वाला बटन को फोड़ के रख लीजिए भाई, तोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं अगला बोर्ड में। जय हिंद दोस्तों।